यहाँ पर बहुत कम लोग आबाद थे और कोई स्कूल वगैरह नहीं था, तो जर्मन की एक पार्टी एक वफ्त यहाँ पर आया था और उसने जो फलाही काम करते हैं उन्होंने इस स्कूल को बनाया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रजास्पानी। व्यूअर्स, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं औरंगी टाउन में मौजूद हूँ इस वक्त। औरंगी टाउन एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि लाखों लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर बहुत सारे बाजार हैं, बहुत गहमे गहमी हैं, मुख्तलिफ खाने की चीज़ें हैं, पकवान सेंटर्स हैं, बहुत आला टाइप की मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ की जो खास सौगात होती है वो जैसे झटपट वो सेव, चने और मिर्चे और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ चीज़ें मिलाकर उसको हिलाते जुलाते हैं छोटी सी एक पतीले के अंदर, बाल्टी के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, और उसके अंदर मुख्तलिफ मसाले डालते हैं। यकीन करें उसका टेस्ट जो है ना वो टेस्ट ऐसा है कि उसकी वो डिफरेंट है बिल्कुल। वो आप अगर खाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसके अलावा जो बिहारियों की ख़ास सौगात होती है बिहारी कबाब। बिहारी कबाब पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची में बनाई जाता है, मिलता है हर जगह पर, लेकिन जो औरंगी टाउन में बिहारी लच्छेदार बनाए जाते हैं वो सिर्फ आपको औरंगी टाउन में मिलेंगे। यहाँ पर चंद एक नाम बहुत मशहूर हैं 14 नंबर 15 नंबर में बिहारी कबाब के हवाले से। इसके अलावा अगर बात की जाए भाषानी मिठाइयों के हवाले से, तो भाषानी बांग्लादेश की एक ब्रांड है और बांग्लादेशी मिठाइयों का वो वाहिद मरकज़ है जिसकी शाख सिर्फ औरंगी टाउन में मौजूद है। इन्होंने औरंगी टाउन से शुरू की। आप पीछे देख सकते हैं कि भाषानी की मिठाई की जो शॉप है वो यहाँ पर मौजूद है। मार्केटों के हवाले से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाज़ार हैं। औरंगी टाउन का 11.5 बहुत मशहूर है, मार्केटों में औरंगी टाउन 10 नंबर बहुत मशहूर है। इसके अलावा जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये डिस्को मोड कहलाता है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यही रोड आगे जाके लेफ्ट पे जो टर्न होगा तो वो चला जाता है गुलशन बिहार मार्केट की जानिब। तो यहाँ पर जो मार्केट का एक सिलसिला है, लोगों का जो एक अस्थान है वो देखने से ताल्लुक़ रहता है। दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल जाएगी? यहाँ पर आपको इसके अलावा औरंगी टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 भी मिल जाएगा, जहाँ पर न सिर्फ ये कि बहुत ज़बरदस्त सी बाउंड्री वॉल सोसाइटी है JFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, इसके अलावा वहाँ पर उस बाउंड्री वॉल सोसाइटी के अंदर डील्स आबाद का एक बहुत शानदार सा प्रोजेक्ट भी है जिसको बिन ऑफ टावर्स और औरंगी यूनाइटेड मोबाइल मार्केट के नाम से बनाया जा रहा है। तो हम आगे चलते हैं, आज हम आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे जो गुलशन बिहार मार्केट है उसकी भी गहमा गहमी दिखलाएंगे। तो चलें चल के गुलशन बिहार मार्केट की थोड़ी सी दर्शन करते हैं, आ जाए मेरे साथ। अच्छा जी, अब मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये कहलाता है जर्मन स्कूल। आप देख सकते हैं ये एक स्कूल है। इस स्कूल के हवाले से मेरे पास जो एक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब औरंगी टाउन की आबादी नई नई बनी थी 1970 के दहाई में, तो उस वक्त यहाँ पर बहुत कम लोग आबाद थे और कोई स्कूल वगैरह नहीं था, तो जर्मन की एक पार्टी एक वफ्त यहाँ पर आया था और उसने जो फलाही काम करते हैं उन्होंने इस स्कूल को बनाया था। तो उस वक्त से ये स्कूल जो है वो जर्मन स्कूल के नाम से मशहूर है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको गुलशन बिहार की मार्केट नज़र आ जाएगी। हम गुलशन बिहार की मार्केट चलते हैं और थोड़ा सा गुलशन बिहार मार्केट को भी आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं, आ जाए। अच्छा, ये वो जगह है जो कि गुलशन बिहार मार्केट कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मार्केट औरंगी टाउन, जैसे जैसे आबादी यहाँ पर बढ़ती गई उस तरह यहाँ पर लोगों ने आना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ इलाकों के लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। ज़्यादातर बिहारी लोग जो थे वो यहाँ पर, बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया। इसके अलावा भी मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग यहाँ पर आबाद हुए। गुलशन बिहार मार्केट को तकरीबन 40 साल हो गए हैं यहाँ पर और ये एक बहुत ही पुरझूम आबादी वाली मार्केट है। यहाँ पर जो रश है वो मैं आपको दिखला रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में रश कितना है के, और रमज़ान के दिन है, अफ्तारी के वक्त तो आप यहाँ पर मेरे ख्याल में दाखिल भी नहीं हो सकेंगे। सब्ज़ी की दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं, पान की दुकानें हैं, फ्रूट्स की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें, मुर्गी की दुकानें, बहुत सारी दुकानें। अगर आप उस साइड पे देखें तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मिठाइयों की दुकानें, पकवान सेंटर्स हैं जहाँ पर खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। गाड़ियों का एक अज़्ज़ाम है जो यहाँ का रश बताता है कि ये औरंगी टाउन की आबादी कितनी गुंजान आबादी है।
और यहाँ पर रहने वाले लोग कितने मुनज़्ज़म तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ पर किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की, किसी किस्म की किसी सहूलियात ज़िंदगी की कोई परेशानी नहीं है व्यूअर्स। तो ये है औरंगी टाउन का वो इलाका जो कि गुलशन बिहार कहलाता है। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको करबला नज़र आ जाएगा, कहाँ से मुहर्रम के अयाम में जो है ताज़िए बरामद होते हैं। तो व्यूअर्स उससे थोड़ा सा आगे ही जाके औरंगी टाउन रेजिडेंसी फेज़ वन वाक़ है, जहाँ पर औरंगी टाउन रेजिडेंसी फेज़ वन GFS का एक बहुत शानदार सा वन रिवॉल्व सोसाइटी है, जिसके अंदर विंग ऑफ टावर्स और औरंगी यूनाइटेड मोबाइल मार्केट बनने जा रहा है GFS बिल्डर्स और दिलजाबाद के ताउन से। ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी औरंगी टाउन के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की। फिलहाल मैं आपको औरंगी टाउन रेजिडेंसी फेज़ वन की कुछ मनाज़िर दिखलाता हूँ, आ जाए मेरे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।